20 फरवरी मंगलवार, मंगल ही मंगल होगा क्योंकि जया एकादशी का आज व्रत है। प्रीति योग बनेगा जिससे आज कुछ नया गुर सीखने को मिलेगा। चंद्रमा बुध का नवम पंचम राजयोग मन और बुद्धि ये दोनों मिलकर आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव से षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा आ सकती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जया एकादशी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान भी जानेंगे। चंद्रमा और गुरु से बना गज के योग अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में तो जानेंगे क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 20 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आज जया एकादशी का राशिफल है, यानी हर राशि के अनुसार एकादशी के लिए मैं विशेष उपाय बताऊंगा ताकि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, क्लेश दूर हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक हो जाते हैं। खुद को बेघर न मत देना कभी किसी हाल में। लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती तो भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप भी या आपके आसपास क्या लोग इस तरह के कोई काम कर रहे हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 23 फरवरी को मुंबई हूं और 24-25 फरवरी को दुबई रहूंगा। 26 फरवरी दिल्ली और गुड़गांव, 2 मार्च जबलपुर, 3 मार्च इंदौर, 8-26 और 31 मार्च को मुंबई, 10 मार्च दिल्ली, 17 मार्च कोलकाता, 27 मार्च रायपुर, 29 मार्च बेंगलुरु और 30 मार्च को मैं पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 9:56 तक एकादशी और फिर द्वादशी रहेगी। आज दोपहर में 12:13 तक आर्द्रा नक्षत्र और फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया प्रीति नामक राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा हैं तो ससुराल, वरना अपने परिवार में जिन रिश्तेदारों से आपकी अब तक बन रही है उनसे कोई मदद आपको लेनी पड़ सकती है। प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सफलता मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन, जॉब करने वाले लोगों को बॉस से सुर ताल और लय बिठा के चलना चाहिए। उनकी हाँ में हाँ मिलाने से और दिए गए टास्क को पूरा करने में ही आपकी भलाई है। फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस पर्सन अलर्ट हो जाएं, अपनी देखरेख में सारे काम करें, वरना चोरी नुकसान आपके पैरों के तले चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सकारात्मक ग्रहों का खेल कहता है कि स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के ऊर्जा और समय बहुत शानदार है, बस मौका मिलते ही चौका लगाइए। फैमिली के साथ काफी समय से कुछ खरीदने का मन था तो आज वो हो सकता है। गाड़ी खरीदना और गाड़ी के लिए कुछ चीजें खरीदने का भी समय आज के दिन शुभ है। यातायात के नियमों का पालन करें वरना चोट, दुर्घटना यात्रा में हो सकती है। जया एकादशी व्रत पर सुख की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी को सिंदूर अर्पित करें और ओम गोविंदाय नमः और बाद में ओम वामनाय नमः 11-11 बार जाप करना चाहिए और व्रत जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि, आपके नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है उसे आगे चलकर पूरा करिए, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। ऑफिस में अपने कलीग को वर्कर्स के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, अन्यथा विरोधी आपके काम में अड़ंगे डाल देंगे। जॉब कटवा लोगों को वर्क प्लेस और अपने कुशल नेतृत्व से काम को समय पर पूरा करने का मौका मिलेगा। सबका दिल जीतने में आप सफल रहेंगे। प्रीति योग के बनने से बिजनेस पर्सन को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। जनरल हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टूडेंट हो या आर्टिस्ट या फिर प्लेयर है, आज बेहतर समय है। दिन की शुरुआत गणेश जी को याद करके करिए, उनकी कृपा से आपके काम बन जाएंगे। पारिवारिक मामलों में अपना हाथ समेट कर चलें क्योंकि अचानक से बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। हार्ट पेशेंट और जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों को खाना पीना और अच्छी नींद पर ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। जया एकादशी के व्रत पर धन की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन भगवान दामोदर को कमल गट्टे की माला चढ़ाएं और साथ ही भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम और मधुसूदन स्वरूप का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि, आत्मसम्मान, विश्वास बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज
आईक्यू और इक्यू लेवल बेटर रहेगा। प्रीति योग के बनने से आपके आसपास के लोगों से प्रीति रहेगी। गवर्नमेंट फील्ड में उच्च अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सभी के साथ बैलेंस बनाकर रखना होगा। किसी एक के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार, दूसरे के साथ रूखा व्यवहार आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बिजनेस के लिए अगर कर्ज ले रखा है और पैसा आ गया तो उसे चुकाइए, वरना आप अपनी खुशियों में या हो सकता है विलासिता उस धन को खर्च कर देंगे। बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ है, नए लाभ की उम्मीद जग रही है। न्यू जनरेशन को अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में आप अगर प्लान करके करोगे तो मजा आ जाएगा। मैरिड लाइफ में और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर कोई नाराज है तो उन्हें मनाने में कोई कसर ना छोड़े। मन भेद और मतभेद को बुलाइए। मानसिक रूप से प्रसन्न रहिए, हर काम को खुश रहकर करिए तो आपको खुशी जरूर मिलेगी, तनाव दूर हो जाएगा। जया एकादशी के व्रत पर अपना पराक्रम बढ़ाने, घर में समृद्धि और साहस लाने के लिए आज के दिन यानी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को 2 तुलसी पुत्र चढ़ाएं और ओम माधवाय नमः और बाद में ओम नारायण नमः 11-11 मंत्र पढ़ने के बाद ही काम पर लगे। कर्क राशि। नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के कार्यों को पूरी तल्लीनता के साथ करें। ईमानदारी के साथ काम करने पर प्रमोशन, जॉब चेंज या जॉब में कुछ चेंज या सैलरी बढ़ने की संभावना बनेगी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस कुलीग के साथ एक टीम वर्क के हिसाब से चलना होगा। आपके काम से आप जल्दी फ्री हो जाएंगे और बॉस अब आपकी छवि को लेकर पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे। बिजनेस पर्सन यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील करने जा रहे हैं तो पेपर वर्क में लापरवाही न करें, अन्यथा काम रुक जाएंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी सारी परेशानियों को आप सामना करके ही उससे दूर भाग सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी जो परेशानी है उसका सामना करने का ही एकमात्र तरीका है, इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में सामना करते हुए हिम्मत और मजबूती दिखाते हुए आगे बढ़िए। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। घर परिवार में पुश्तैनी जमीन या गहनों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। बात करें सेहत की तो घर से बाहर जाते हैं तो स्वास्थ्य के पूरे इंतजाम करके निकले, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें वरना बीमारी आ सकती है। जया एकादशी के व्रत पर पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने, अपनों के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए आज के दिन यानी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को दही चीनी का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के केशव और श्रीधर स्वरूप का स्मरण जरूर करें। प्रिय साथियों, आइए चार राशि के बाद गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जया एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए। गुरु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुरु शिक्षा, धन कमाना, विवाह और संतान के कारक है। आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहले पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें। अब तुलसी के माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक माला जाप करें। जाप के बाद विष्णु जी को केले और पंचामृत से भोग अर्पित करें। तुलसी पौधे में कच्चा दूध मिश्रित जल डालते हुए गुरु ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करें। फिर अपने प्रथम गुरु माँ बाप गणेश जी और जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे में कमी कैसे लाया जाए, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए परिवार के साथ बैठकर। ऑफिस में मन लगाकर काम करेंगे तो बॉस की नजरों में आप छा जाएंगे। नया ओहदा, नई जिम्मेदारी मिलने का आसार है। बात करें बिजनेस पर्सन की तो उन्हें बिजनेस के लिए आज फोकस्ड रहना होगा। कभी भी नए ऑर्डर टेंडर मिल सकते हैं। बिजनेस पर्सन को वर्तमान की स्थिति को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जनरल हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज यश कीर्ति मिलेगी, गलती मत करिएगा। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार के लोगों से परामर्श लेना न भूलें, बड़ों की राय आपके लिए सही साबित होगी। जिन लोगों के स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी है उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं। न्यू जनरेशन, दिन की शुरुआत हनुमान जी का ध्यान करते हुए करें, उन्हें मीठा भोग लगाइए। जया एकादशी व्रत पर प्यार में सफलता पाने, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से लव एंड अफेक्शन पीस एंड हार्मनी बढ़ाने के लिए आज एकादशी के दिन भगवान दामोदर को यानी विष्णु जी को रौली और चावल का तिलक लगाएं। ओम पद्मनाभाय नमः और बाद में ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 11-11 बार जाप करिए। कन्या राशि। राजनीति, आप किसी के खिलाफ या कोई आपके खिलाफ कर रहा है तो उजागर हो जाएगी। ऑफिस में ऑफिशियल काम में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर दीजिए। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी कमियां दूर करिए। जॉब करने वाले लोगों को नया इनकम सोर्सेस मिल सकता है। आपके जो कड़े कदम हैं, फैसले हैं और योजनाएं वो आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रीति योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन बेहद शुभ है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। बिजनेस पर्सन की बात करें
तो आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रेवल आज प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नए और अच्छे अवसर मिलने की पूरी संभावना है। बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहें, इसके साथ ही परिश्रम और स्मार्ट वर्क करना न भूलें। फैमिली में विवाद हो तो मन को और जुबान को शांत रखिए, जल्द ही समाधान निकलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको तरोताजा रखेंगे। जया एकादशी के व्रत पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार में शांति के लिए एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को हरे मूंग चढ़ाएं और भगवान विष्णु जी के गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण करें। तुला राशि। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ और या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत होगी। प्रीति योग के बनने से टेली कम्युनिकेशन और आपका खुद का कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत, ये सब कुछ बढ़िया रहेगा। और नई टेक्नोलॉजी और साथ में नए मैनेजमेंट, नई टीम से बिजनेस आगे बढ़ेगा। जॉब में मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का आज को वर्कर्स के साथ सुरताल बिठाना होगा और जो सुझाव देते हैं उसे मानिए। बिजनेस पर्सन दूसरों के सुझावों को अधिक महत्व जरूर दें, लेकिन अपने दिल की बात जरूर माननी चाहिए। न्यू जनरेशन को विशेष सलाह दी जाती है कि कल की चिंता में आज को खराब न करें। आज जो आपके सामने है उसे खुलकर एंजॉय करें, खूब मेहनत करें, इसी से ही आपका कल संवरेगा और निखरेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपनी ही बनाई हुई किसी परेशानी में उलझ जाएंगे, टाइम वेस्ट करने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है, आपको कोई शुभ या मांगलिक कार्यों के शुभ समाचार मिल सकते हैं। सेहत के मामले में चिकनाई वाला खाना आपके लिए ठीक नहीं है। न्यू जनरेशन को अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का प्रयास करना होगा, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिल सके। जया एकादशी व्रत पर सुखी दाम्पत्य जीवन, लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को आज के दिन अबीर चढ़ाएं और ओम त्रिवीक रमाय नमः और ओम मधुसूदनाय नमः, इनका 11-11 बार जाप करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि। जिंदगी में कई ऐसे मसले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास करिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ कॉम्पिटिशन हो सकता है, कॉम्पिटिशन करने से आपके द्वारा कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आप हेल्दी कॉम्पिटिशन करेंगे और जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे तो सब ठीक होगा। व्यापारी वर्ग को यदि लाभ के लिए स्वभाव में कुछ लचीलापन लाना है तो जरूर आइए, अहम और वहम को दूर भगाइए। मेरा ऐसा मानना है कि उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ना हो। बिजनेस पर्सन को सतर्क रहना होगा क्योंकि आपके विरोधी इसी ताक में है कि कब वो आप गलती करें और आपको परेशान करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रूटीन चेंज करिए, डेडिकेशन दिखाइए। सुबह उठते ही अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में 11 बार बात करिए, आपका लक्ष्य आपके आसपास होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, समस्याओं पर नहीं समाधान पर विचार करिए। सेहत की बात करें तो महिलाओं के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जया एकादशी व्रत पर हर प्रकार से अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु जी को लाल चंदन अर्पित करें और भगवान विष्णु जी के वामन और नारायण स्वरूप का स्मरण करते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना जरूरी है। 8 राशि बाद आइए मैजिकल न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं कि डेट और मंथ, इन दोनों की टोटल करके अगर एंड में टोटल 6 आती है तो ऐसे लोग अपने रवैये में अत्यधिक पॉजिटिव रहते हैं और कई बार इनको दूसरों को लेकर जो अहम बहुत ज्यादा रहता है, वहम भी रहता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग उनके लिए क्या मायने रखते हैं और किसी को परेशान करके भी कई बार इनको मजा आ जाता है। साथ ही वे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से दूसरों की देखभाल तब करते हैं जब उन्हें लगे कि अब और कोई इसकी देखभाल नहीं कर सकता है। इनका स्वभाव देने वाला होता है, जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बनाते हैं और बुरे मामलों से ये दूर रहते हैं, लेकिन इनके आसपास अपने ही लोग धोखा देने वाले लोग तैयार रहते हैं। बात करते हैं धनुराशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मजबूती लाइए, उनके साथ वक्त गुजारिए जिनके साथ दिल चाहता है। ऑफिस के सिलसिले में यदि कोई विशेष काम पे जाना पड़े तो आनंद के साथ जाइए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में अपने काम से दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए समय उपयुक्त है, इस समय अपना पूरा फोकस काम पर लगाइए। बिजनेस पर्सन को किसी काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, ऐसे में अपना उत्साह बनाए रखें। बिजनेस पर्सन के लिए दिन लाभकारी है, आपको मन के अनुसार मुनाफा मिल सकता है। न्यू जनरेशन को खुद से पहले दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। परिवार के समक्ष अपनी बात रखिए, आशंकित मत होइए और अपनी बातों को परिवार में विरोध को लेकर नहीं, उन्हें अपनापन समझकर आगे बढ़िए और राय का पहाड़ बनाने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन हड्डियों की तकलीफ जिनको ऑलरेडी है उनके लिए ठीक नहीं है। जया एकादशी पर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान विष्णु जी को 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं
और ओम केशवाय नमः, बाद में ओम श्री धराय नमः 11 11 बार जाप करना उपयुक्त रहेगा। मकर राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रहेगी। आपकी वाणी, आपके ड्रेसिंग सेंस बात में आकर्षण रहेगा और आप अपने आप को आगे रखने के लिए तैयार रहेंगे और तत्पर भी रहेंगे। जॉब करने वाले लोगों को करियर के लिए बेहतर प्लानिंग, बेहतर ऑप्शन दिलाएगी और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको हर कदम मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने विरोधियों से और कॉम्पिटिटर से सतर्क रहना होगा। आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप निभाइए और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखिए और अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी भले ही कम हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी जो स्किल है वो नए अवसर पैदा करेगी और मौका मिलती चौका लगाएगी। परिवार में भाई बहनों के साथ सहयोग मिल सकता है और समय निकालकर परिवार के साथ खूब सारी चर्चा करें। सेहत के मामले में चिंता छोड़कर चिंतन करिए। जया एकादशी के व्रत पर अपने बिजनेस जॉब की सफलता के लिए आज के दिन भगवान विष्णु जी को नीले रंग के 5 पुष्प अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पद्मनाभ और केशव स्वरूप का स्मरण करें। कुंभ राशि वाले लोगों को आज एक स्टूडेंट बनना चाहिए। आपकी जिंदगी में निखार आएगा, कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा बढ़ सकता है जिसको लेकर आप तनाव में आ जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। आप जो भी प्रयास करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, वो सफलता देगी। जॉब या बिजनेस में दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना है, कोई डील करने जा रहे हैं तो पुख्ता तैयारी कर लीजिए और ये काम दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करिए। न्यू जनरेशन के यदि मन के अनुसार कुछ काम पूर्ण न हो पाए तो क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें, वरना नाराजगी बढ़ जाएगी। मन में यदि किसी प्रकार की दुविधा है तो उसे उसी व्यक्ति के साथ बातचीत करके सॉल्व करिए जिसको लेकर दुविधा है। किसी और से बात करने से दुविधा बढ़ जाएगी। जिन लोगों को डायबिटीज और हार्ट की तकलीफ, उन लोगों के लिए दिन ठीक नहीं। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और पेयर्स, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए शुभ सूचना वाला दिन है। जया एकादशी व्रत पर किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज घर में लोबान से धूप करें और ओम ऋषि केशाय नमः और फिर ओम श्री धराय नमः 1-1 माला, नहीं तो 11-11 बार कम से कम जाप करिए। मीन राशि, परिवार की सुख शांति और समृद्धि में कहीं कोई कभी तो नहीं है। आप वादे करते जा रहे हो, निभा नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऑफिस में बॉस के द्वारा दिए गए टास्क को प्रायोरिटी दीजिए, काम तय समय से पहले कंप्लीट करिए। बिजनेस पर्सन में किसी भी बड़े क्लाइंट और कस्टमर से विवाद करने से बचिए, ग्राहक खाली न जाए और आफ्टर सेल सर्विस बेटर करिए। बिजनेस पर्सन के वर्तमान समय में सोचे गए काम अगर पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो इरिटेट और डिस्टर्ब होकर गलत डिसीजन करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भाग्य का सपोर्ट आज नहीं मिलेगा, मेहनत ही बेहतर करनी होगी। जीत रहेगा मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करें। फैमिली की जरूरतों को पूरा करते हुए घर के खर्च बढ़ सकते हैं और बचत जरूर करें। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन प्राण जाए पर वजन ना जाए, वजन के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। जया एकादशी पर अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आज के दिन भगवान दामोदर को 11 पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु जी के गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण जरूर करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। गुरु चंद्रमा का गज के श्री युग अगर आपके कुंडली 5th हाउस में है तो ऐसे लोगों के ऊपर माता की असीम कृपा रहती है। माँ के सहयोग और आशीर्वाद से ऐसे लोग बढ़ते हैं, पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान होते हैं, चल और अचल संपत्ति मिलती है। शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आकस्मिक डील होती है। हर काम में कई बार वो जल्दीबाजी करते हैं, अच्छा म्यूजिक, अच्छा एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, ज्यादातर काम ईमानदारी से करते हैं और बहनती बहुत होते हैं। लव मैरिज करते हैं और उसे लाइफ पार्टनर बनाकर बिजनेस पार्टनरशिप तक पहुंच जाते हैं। तो पैसे की तकलीफ ऐसे लोगों को नहीं रहती। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पित करें और चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दीपक प्रज्वलित करके बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और बाद में हनुमान जी के समक्ष बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या हनुमान कवच का पाठ करें। उसके बाद लड्डू स्वयं और आसपास के लोगों को दीजिए। वहीं भक्तों को आज हनुमान चालीसा की 21 पुस्तकें बांटने से पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव
या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अभेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। माँ शिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी।